बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीजा कानून में तब्दीली कर दी। 31 दिसंबर तक वीजो और अकामों की मियाद बढ़ाने का फैसला मंसूख कर दिया गया। वीजो की मुदत में तोसी करने के लिए 3 माह की रियायत दे दी गई। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रिहायशी वीजा से मुतल्लिक कवानीन में तरमीम कर दी है, जिसके बाद अमारात में मुकीम और दीगर ममालिक में मौजूद अमारती वीजा होल्डर तारिकीन वतन के वीजो और शहरियों के पासपोर्ट की मुद्दत में तोसी करने के लिए 3 माह की रियायत दे दी गई है। इस तरह अमारती हुकूमत का पिछला फैसला मनसूख कर दिया गया है, जिसके तहत 1 मार्च से 1 दिसंबर तक वीजो और अकामों की मियाद बगैर किसी फीस के वसूली के बढ़ा दी गई थी। इसी तरह एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड पर साल के आखिर तक दी गई रियायत भी खत्म कर दी गई है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ICA की जरब से कल बारोज एतवार से वीजा सर्विसेज के लिए इंतजामी फीस की वसूली शुरू की जाने का इम्कान है। रिहायशी वीजो से मुतल्लिक इस फैसले की मंजूरी अमारती काबीना की जनब से दी गई है। काबीना की जनब से खलीजी ममालिक के बाशिंदों को भी वीजे की मदद में तोसी के लिए मजीद 1 माह की रियायत दे दी गई है, जबकि ऐसे अमारती वीजा होल्डर जिन्होंने अमारात से बाहर 6 माह से कम अरसा क्याम किया है, उन्हें भी वीजो में 1 माह की तोसी दे दी गई है। यही रियायत अमारती शहरियों को भी हासिल होगी, जबकि वो अमारती वीजा होल्डर जिन्हें अमारात से बाहर रिहायश पजीर हुए 6 माह से जायद अरसा हो गया है या जिनके वीजे 1 मार्च के बाद एक्सपायर हो गए हैं, उन्हें भी वीजो में की रियायत दी जा रही है। ताहम इस रियायती मुद्दत का फैसला ICA की जनब से किया जाएगा। इस मामले में अमारात और इस मुल्क में फजाई परवाजें शुरू होने की मुद्दत को सामने रखा जाएगा, जहां पर अमारती वीजा होल्डर फिलहाल मुकीम हैं। वीजो के रियायती मुद्दत के दौरान कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी, ताहम ये मुद्दत खत्म हो जाने के फौरी बाद फीस अदा करना लाजमी होगी। जबकि ऐसे अफराद जिनकी मुलाजमतें 1 मार्च से पहले खत्म हुई थी, उन्हें वीजो की तोसी के लिए कोई रियायती मदद नहीं दी गई। इन अफराद को 200 दिरहम की फीस और रोजाना के हिसाब से 25 दिरहम का जुर्माना अदा करना होगा। काबीना के मुताबिक तमाम वीजा सेंटर्स पर लोगों के जाने पर पाबंदी होगी और तमाम तर सर्विसेज ऑनलाइन तरीके से फराहम की जाएंगी। अमारती हुकाम का कहना है कि अमारात में मामलात जिंदगी मामूल के जनब लौट जाने और मायशी सरगर्मियों की पूरी तरह बहाली के बाद वीजा पॉलिसी से मुतल्लिक तरमीम खत्म कर दी जाएगी। मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।